धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह साजापुर, नीमच और छत्तरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। साथियों, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान है। हमारे यहां कहा गया है, पुनातु मां तत्सवितुर्य रेण्यम, यानी जो उपासना के योग्य सूर्य देव है वो हमें पवित्र करे। पवित्रता की यही अनुभूति आज यहां रीवा में है, हर जगह पर हो रही है। सूर्य देव की इसी ऊर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में
हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी बढ़ रही है। और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। साथियों, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो इकोनॉमी उसका एक अहम पक्ष होता है। पूरी दुनिया के नीति निर्माता बरसों से दुविधा में हैं कि इकोनॉमी की सोचे या एनवायरमेंट की सोचे। इसी उहापोह में फैसले कहीं एक पक्ष में लिए जाते हैं और कहीं दूसरे पक्ष में लिए जाते हैं। लेकिन भारत ने यह दिखाया है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, हर परिवार को एलपीजी और पीएनजी का साफ सुथरा ईंधन से जोड़ने का अभियान हो, पूरे देश में सीएनजी आधारित वाहन व्यवस्था, इसके लिए बड़ा नेटवर्क बनाने का काम हो, देश में बिजली आधारित परिवहन के लिए नए नए रिसर्च होने वाले हैं, कुछ प्रयास होने वाले हैं, ऐसे अनेक प्रयास देश में सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। भारत के लिए इकोनॉमी और एनवायरमेंट दो अलग अलग पक्ष नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक पक्ष हैं। साथियों, आज आप देखेंगे कि सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें पर्यावरण सुरक्षा और ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साफ सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक पहुंचे।